शुक्रिया साथियों, जय भीम। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, साथी बामन मेश्राम जी, जस्टिस ईश्वरैया, एक इंसान तेलंगाना में बैठ करके हमारे पीछे खड़ा है, शुक्रिया सर। जिग्नेश भाई, रतन, राजनपाल गौतम जी, उर्मिलेश जी, ना पत्रकार मेरे बल्कि शिक्षक भी, दिलीप भाई, सुबह की पहली ट्वीट उन्हीं की पढ़ता हूँ, उससे मौसम का पता चलता है। अली अनवर अंसारी साहब मेरे साथी, और मेरे सामने बैठी हैं इस मुल्क की कॉन्शियंस कीपर अरुंधति जी। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम क्या कर रहे थे सदन में। मैंने कहा मैं बाबा साहब के संविधान के पन्नों की हिफाजत कर रहा था। हुजूम के खिलाफ जाना सबसे मुश्किल काम होता है, हम हुजूम के खिलाफ गए। हम इलेक्ट्रल डिफीट, इलेक्ट्रल प्रॉफिट और लॉस नहीं देख रहे हैं। उर्मिलेश जी वादा करते हैं, ये लड़ाई हम एक भी सीट ना जीते इस लड़ाई को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। कल को तुम सामाजिक न्याय को निकाल दोगे साहब, चर्चा नहीं होगी, सेक्युलरिज्म निकलेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। फिर हम कौन सी किताब पे जिएंगे इस मुल्क में, किसके भरोसे जिएंगे? मनुस्मृति के भरोसे या गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट के भरोसे? आपने मध्य रात्रि की उस डकैती में मोदी जी, आपने और आपकी पूरी टीम ने गोलवलकर को उतारा है, उसकी भावनाओं को उतारा। बीजेपी के ओबीसी एससी एसटी एमपीज मुझसे सेंट्रल हॉल में बोले कि आपने जो बोला वो ठीक किया। मैंने कहा फिर आप चुप क्यों रहे? मैं अपने साथियों, उनकी नौकरी खत्म हो जाएगी। सवर्ण में ये कौन लोग हैं जिनको रिजर्वेशन मिलेगा? 8 लाख वाले उसमें गरीबी ढूंढ रहे हो, 5 एकड़ वाले उसमें गरीबी ढूंढ रहे हो। अरे गरीबी वाली बात थी, बीपीएल में चले जाते, एपीएल में चले जाते, वो आपका आपकी मंशा नहीं है। आप मूलतः जिसको कहते हैं हम कि ब्राह्मणवादी पैराडाइम का पूंजीवाद से अगर विवाह हो तो उससे जो संतान पैदा होगी क्रोनी पूंजीवाद से, वो ये संतान वो ये है। एक बार मेरे साथ कहिए, जय 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 भीम, जय 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 भीम। शुक्रिया दोस्तों, जिंदाबाद। जो सामाजिक न्याय की पक्षधर अपने को मानती हैं, जिन पार्टियों ने पार्लियामेंट में गलतियां की, आज वो भी आएंगी, लेकिन मैं कई पार्टियों को नहीं देख रहा हूं, या उनके बौद्धिक, उनके विचारक अगर हैं तो उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये एक बड़ी कोफ्त हो रही है, इसलिए मैं तेजस्वी को और उनके पार्टी के जो लोग हैं, मनोज झा हैं, इन लोगों का स्वागत इसलिए भी नहीं करना चाहता केवल कि ये लोग आए, बल्कि इसलिए कि इन्होंने जितनी इस तरह की पार्टियां हैं उनमें शायद उत्तर भारत में हिंदी क्षेत्र में अकेली पार्टी है जिसने इस मुद्दे पर आवाम के साथ खड़ा रही, संविधान के साथ खड़ा रही। हालांकि लोकसभा में गलतियां उन्होंने भी की और उसकी हमने आलोचना भी की। मेरा ये कहना है कि उस डिबेट्स में अगर आप देखें तो आर्थिक आधार पर आरक्षण के पहलू पर अंबेडकर साहब ने इतना आर्गुमेंटेड, इतने तर्कशीलता के साथ सारी बातें अपनी रखी हैं संविधान सभा में, उसके बाद भी तमाम मीटिंग्स में, कि वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की सारी दलीलें। उन दलीलों को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो जिस आधार पर अभी आरक्षण का ये सिद्धांत लागू किया गया है 10%, हम कहते हैं कि आप 15-4 हो, 16-4 हो, आर्टिकल 340 हो संविधान की, इन सबका निषेध ही नहीं है। बाद में जितनी केसेस सुप्रीम कोर्ट में आई, केशवानंद भारती की केस हो, जो आप जानते हैं 1973 का वो ऐतिहासिक फैसला जिसमें जस्टिस एच आर खन्ना ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी अपने जजमेंट में, और पता नहीं कैसे इस देश का मीडिया, इस देश के विद्वान जो दुनिया भर के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें लिखते रहते हैं लेकिन इन चीज़ों पर नहीं लिखते, जैसे ही अफर्मेटिव एक्शन का मामला आता है उनकी कलम, उनके माइक पता नहीं क्या हो जाता है उनमें। देखिए एच आर खन्ना को मैं याद कर रहा था, एच आर खन्ना साहब ने अपने विस्तृत जजमेंट में, उस जजमेंट के बहुत सारे और पहलू हैं जिनसे आप सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन एक बेसिक बात उस जजमेंट की है कि वो क्या है कि आप भारत के संविधान में कुछ बुनियादी इसके विचार हैं,
इसकी कुछ फाउंडेशंस है, बुनियाद है इसकी, इसके कुछ ऐसी संरचना है जिसको बुनियादी संरचना कहते हैं आप, और वो जो है एफर्मेटिव एक्शन का दर्शन जो है, जो विचार है वह भी है। आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उसको पलट नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो भारत की संविधान सभा की देन है और लंबे विचार विमर्श के बाद है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उन दिनों, जेएनयू आने से पहले अंबेडकर मिलते ही नहीं थे, दिखते नहीं थे, दुनिया भर के लोग मिल जाते थे, अंबेडकर कभी नहीं मिलते थे किताब की दुकानों पर। लेकिन जब से अंबेडकर मैंने पढ़ा तो मुझे महसूस हुआ कि हिंदुस्तान की धरती पर अनोखा स्कॉलर, एक ऐसा स्कॉलर जिसके पास जितने इस देश के इंटेलेक्चुअल्स हैं आजादी की लड़ाई के, हम सबको सैल्यूट करते हैं, लेकिन वैसा इंटेलेक्चुअल एक, मतलब जिसके पास इतना बड़ा विचार दर्शन है। हम तो पहले समझते थे, बहुत सारे लोगों ने समझा रखा था कि वो दलितों के आइकन हैं, वो संविधान बनाने वाले एक व्यक्ति हैं, वकील हैं। वो बाद में समझ में आया कि कितना बड़ा दार्शनिक है जिसने वेद को, उपनिषद को, पुराणों को, तमाम संस्कृत के ब्राह्मण पंडितों से ज्यादा पढ़ा है। एक ऐसा आदमी जिसने पूरी दुनिया को समझा है, जिसके पास भारत को बदलने का एक नजरिया है, जो कहता है कि जाति के साथ जनतंत्र नहीं चल सकता। अंबेडकर ने आज उसी अंबेडकर के कारण इतने दलित नेता, इतने पिछड़े नेता, इतने आदिवासी नेता हैं, अब सबके रहते हुए आरक्षण लुट गया। मनोज झा क्यों यहां है? मनोज झा इसलिए नहीं है कि वो राष्ट्रीय जनता दल में है, मैं इनके पूरे खानदान को जानता हूं, क्योंकि नवभारत टाइम्स में बिहार में मैं एक बार ट्रांसफर करके गया था, 8.5 साल बिहार रहा हूं। इनके परिवार के लोगों ने सामाजिक न्याय की लड़ाई भी लड़ी है, रमेश जी इनके परिवार में रहे हैं। रमेश झा देखिए, हमारे नेताओं ने कॉन्स्टिट्यूएंसी बनानी शुरू की, विचारधारा पर काम नहीं किया। आज अगर तेजस्वी यादव की पार्टी के रघुवंश बाबू नाक भौंसी कोड़ते हैं कि वैशाली के, चूंकि उनको चुनाव वहां लड़ना है, कि आरक्षण क्यों ऐसे, इस पर नहीं बोलना चाहिए था, इस पर ये स्टैंड लेना है, क्यों? हम साफ साफ आज बोलना चाहते हैं कुछ बातें, बिल्कुल कंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए कि उनको डर है कि अपर कास्ट में कोर्ट नहीं देगा। अरे भाई, अपर कास्ट को आपने समझाया ही नहीं, अपर कास्ट को आपने समझाया ही नहीं, अपर कास्ट को भी समझाने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह की संरचना बनाई गई है इस देश में हिंदुत्व द्वारा, हिंदुत्व फासिज्म द्वारा, वो न केवल माइनॉरिटी के खिलाफ है, न केवल दलित के खिलाफ है, न केवल ओबीसी के खिलाफ है, बल्कि अपर कास्ट के खिलाफ है। अपर कास्ट को उसने जहरीला, उसके दिमागों में जहर घोल रहे हैं, उसको मनुष्य होने से दूर कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने पूरे आंकड़े छापे थे, आरटीआई से लेकर छापे थे, 0 प्रोफेसर है इस पूरे महादेश में ओबीसी का, 0 एसोसिएट प्रोफेसर जीरो। और अगर आप किसी अपर कास्ट के लड़के से बात कीजिए, नौजवान लड़के से, कहता है सारा ओबीसी खा गया हमारी सीटें। विकृत होते हुए भारत के अपर कास्ट के बड़े हिस्से का सांस्कृतिक सिपाहसालार बन गया है इस देश का मीडिया, उसकी कम्युनिकेशन विग बन गया है ये मीडिया। अब एक टॉप के, अंग्रेजी के टॉप के एंकर से आप बात कीजिए रोस्टर को लेकर और आरक्षण को लेकर, वो ऐसी बात करता है जैसे विश्व हिंदू परिषद का एक नेता करता है। आप कल्पना कर सकते हैं, ऐसा मीडिया नहीं था आजादी के बाद, कम से कम ऐसा मीडिया नहीं था, इतना बुरा मीडिया नहीं था। इसलिए रिफॉर्म्स ने, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात मैं कर रहा हूं, और जो हिंदुत्व की जो पूरी फोर्सेस का जो पोलराइजेशन हुआ है, जो उदारता का जो एक दिखावा था बीच में जो खड़ा किया गया था, वो जो जैसे जैसे नुचा है, उस नुचने के साथ ही यह विकृतियां भारत के समाज में आई हैं। ये बहुत खतरनाक हैं, बहुत भयानक हैं, और यकीन मानिए ये हमारे देश को तहस नहस कर देंगी। इसलिए ओबीसी, दलित, आदिवासी नेताओं से भी मेरा अनुरोध है, प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। आप जीतिए हारिए कुछ भी कीजिए, लेकिन अपने समाज को एजुकेट कीजिए, अपने समाज को एजुकेट कीजिए, और हारने का रिस्क लेकर भी आप सही कदम पर खड़े रहिए, सही पोजीशन पर खड़े रहिए, जैसे तेजस्वी आज खड़े हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि तेजस्वी की पार्टी 100% सही ही काम करती है, बिल्कुल नहीं कहता, और ना कहना चाहिए किसी को भी, कम से कम पत्रकार को तो नहीं ही कहना चाहिए, लेकिन ब्रॉडली अगर देखा जाए तो आप सच के साथ आज की तारीख में इस मुद्दे पर खड़े हैं। आप खड़े रहिए, आप कम सीटों से भले आइए, मुझे इसकी चिंता नहीं है, लेकिन जब तक सच के साथ नहीं खड़े रहेंगे बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस देश में सच का कत्ल हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप ये जो न्याय की लड़ाई है ना, ये घर बैठ के नहीं लड़ी जाएगी। इस लड़ाई में आज भी हमारे मंत्री, एमपी, एमएलए क्यों निकल के नहीं आ रहे,
वो घर में बैठे रहेंगे तो चलेगा? मुझे लगता है रोड के साथ साथ इनके सबके घेराव घरों का भी करना पड़ेगा, उन्हें घर से निकालना पड़ेगा। और बल्कि एक चीज तय कर ले अगर सब लोग कि पूरे देश में जहां जहां अपने एमपी एमएलए रह रहे बजट सेशन में जा नहीं पाएगा कोई जब तक इस पर कोई बोलता नहीं है, उनके घर पे रोक लिया जाए, उनको उन्हें घर से ना निकलने दिया जाए। पहले इस पर अपनी अपनी जुबान खोलो, तुम्हारा क्या कहना है, या तो इधर हो जाओ या उधर हो जाओ। अगर आप उसके फेवर में हो जो केंद्र सरकार कर रही है तो रिजाइन करो अभी, और फेवर में नहीं तो सड़क पे उतरो हमारे साथ। बल्कि निवेदन करूंगा डॉक्टर साहब रतनलाल जी, जहां भी आप कोई आंदोलन की तैयारी करें, अभी दो दिन तो यूनिवर्सिटी में मैं आया ही था, दो दिन नहीं जब तक चलेगा, जहां चलेगा हम लोग आपके साथ चलेंगे, जेल भी जाना पड़ेगा तो साथ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज चाहे कितना भी आपसी मतभेद हो, ईगोज हो, उन सबको दूर करना पड़ेगा अपने देश को बचाने के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए। और अभी तो सिर्फ टेम्परेमेंट, आप क्या कहते हैं, थर्मामीटर लगाया है, वो देख रहे हैं कि भाई बहुसंख्यकों में क्या रिएक्शन होता है इसको लेकर के, और हम लोग सब लोग यहाँ ठंडे पड़े हुए हैं। एक उर्मिलेश जी ने एक बात कही, उसको लेकर के हम बहुत चिंता में हैं। उन्होंने कहा बाबा साहब अकेले एक अम्बेडकर ने पूरे आरक्षण की व्यवस्था की, पूरे बहुसंख्यक पिछड़े जितने लोग थे, दलित थी, उनके लिए करने का काम किया। आज हम लोग इतने नेता हैं, इतने लोग हैं जो उनके बनाए हुए संविधान के बदौलत आज हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिला, जो भी लोग हैं उनके बदौलत है, और हम लोग उनके सपनों को पूरा करने के लिए आज कुछ भी नहीं कर रहे। सब लोग अपने अपने सत्ता के लालच में बैठे हुए, वो तो डीएनए का गाली सुनते रहे, अब डीएनए ठीक हो गया, मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। मैं मानता हूं कि भले ही हमारे अपने लोग हैं, लेकिन अपने लोग बनकर के मीठी मीठी बातें करके अगर पीठ में छुरा भोंकने का काम करें तो वो उससे ज्यादा खतरनाक व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता। इसलिए हम सब लोगों को ऐसे व्यक्तियों का चिन्हित कर करके इसका विरोध करना चाहिए और सबक सिखाना चाहिए। और जहां बहुसंख्यक लोग इकट्ठे हैं, जिसकी जितनी संख्या है, तो कौन इसके आगे टिकने का काम करेगा? लालू जी ने आज तक अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया, उसी का परिणाम है कि आज वो जेल में है, उन्होंने समझौता नहीं किया। अगर लालू जी इन मनुवादियों से समझौता कर लेते तो राजा हरिश्चंद्र के रूप में नवाजे जाने का काम करते। वो लोग सोचते थे कि लालू जी को जेल भेजेंगे तो डर जाएंगे, लेकिन लालू जी डरे नहीं, तो उनको लगा यार ये तो आदमी डरा नहीं, तो इनके परिवार में मुकदमा करो, हो सकता है परिवार के डर से ये समझौता करें या तो झुकने का काम करें। लेकिन उन्होंने फिर भी झुकने का काम नहीं किया, हम लोग भी नहीं डरने का काम किए। हम जानते हैं हमारे पिता शेर हैं, मुझे उन पे गर्व है, और उनका खून, उनका मैं आप सब लोगों को वचन देता हूं। मनोज झा जी ने पहले जिक्र किया कि चाहे एक सीट आए ना आए, हम वोट की परवाह नहीं करेंगे, लेकिन अपने विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे, हम संघर्ष करने का काम करेंगे। जो वन व्यवस्था कायम थी, छुआछूत थी, आप बताइए कभी सुने कि ब्राह्मण का लड़का जो है घोड़ी पे उसको नहीं चढ़ने दिया गया? हम तो यही देखते हैं ना कि भाई दलित के बच्चे को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया, बारात नहीं निकालने दिया गया। और अगर दलित में अगर आर्थिक रूप से जो मजबूत लोग हैं, क्या आप उनको ब्राह्मण मानोगे? बंच ऑफ थॉट्स में देख लीजिए, काशी विश्वनाथ मंदिर का जिक्र है कि ये जो आरएसएस के जो बाबा हैं गोवलकर, उन्होंने किताब में लिखा कि अगर दलित या दलित का कोई नेता काशी विश्वनाथ मंदिर में जाता है तो स्वर्ण जातियों का गुस्सा होना जायज है, उनको मार के भगाना पड़ेगा। डाइवर्ट कर देंगे इश्यू, तुरंत डाइवर्ट कर देंगे। अब चुनाव आता है तो उनको राम जी याद आ जाते हैं, राम मंदिर याद आ जाता है। गिरिराज सिंह जी बोलते हैं कि हम लोगों को बोलते हैं, हम लोग इंसानियत के पक्ष में बोलते हैं, भाईचारा के पक्ष में बोलते हैं, पीस की बात करते हैं, तो बोलते हैं कि इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। अरे गिरिराज सिंह का देश का ये, उनके पिता उनके बाप का देश है क्या जो हम लोगों को पाकिस्तान भेजने का काम करेंगे? ये लोग जो लोग का कोई देश के आजादी में कोई कुर्बानी नहीं रहा, जिन्होंने अंग्रेजों की चमचाई करने का काम किया, आज वही लोग जो है हम लोगों को देश से बाहर करने की बात कर रहे हैं। स्वर्णों को आरक्षण देने का काम किया है, 10% आरक्षण देने का काम किया, लेकिन हम लोगों को अभी तक कुछ नहीं मिला। पूरी तरीके से सर्वे हो
और उसी आधार पे नया कास्ट सेंसस के आधार पर जिसका जितना हिस्सेदारी बनता है उसको उतना देना चाहिए। और जो मंडल कमीशन में जो ओबीसी के लिए जो है वो तो कम से कम अभी तुरंत दे ही देना चाहिए, लागू कर देना चाहिए। और जो कट जो अभी 13 पॉइंट की जो बात है रोस्टर का, हम लोग मांग करते हैं सरकार से, आग्रह करते हैं हाथ जोड़ करके कि अभी आप लोग ऑर्डिनेंस ला करके इसको तुरंत खत्म कराने का काम करिए। हमारे संविधान की रीढ़ की हड्डी चोटिल हुई है, उस पर हमला हुआ है। अगर अगर हमने इसको नहीं बचाया तो फिर ये हम खड़ा नहीं हो सकेंगे। मैं मुसलमान हूं, मुसलमानों के मुतल्लिक कुछ बातें कहना चाहता हूं। इस शब्द से बचना चाहिए, इससे जब ही आप अकलियत कहते हैं, माइनॉरिटी कहते हैं, तो एक एहसास कमतरी, एक हीन भावना पैदा होती है। हमको इससे बचना चाहिए, इससे इस शब्द से मनुवादियों को बल मिलता है। हम अकलियत कहां हैं? हम लोग तो अक्सरियत के लोग हैं, मेजॉरिटी के लोग हैं। जब यहां तेजस्वी यादव जी खड़े हैं, यहां रतन लाल जी खड़े हैं, जिग्नेश जी खड़े हैं, उर्मिलेश जी खड़े हैं, ये मंडल जी खड़े हैं, तो हम तो बहुमत वाले हैं, हम तो बहुजन हैं, हम बहुजन हैं। और देश की जो बहुजन है उसे यूं गुथ जाए, गुथ जाए। जो आज पाकिस्तान है वो जानते हैं कितने टुकड़ों में बटा है? वहां बलूच कहते हैं हम अलग कौम हैं, कौम माने नेशन, राष्ट्र। हम लोग जब तक कौम का इस्तेमाल जातियों के लिए कर देते, नहीं, कौम माने नेशन, मुल्क। बलूच कहता है हम अलग कौम हैं, सिंधी कहता है अलग कौम है, पंजाबी कहता है अलग कौम है, पठान कहता है अलग कौम है, सिया सुन्नी का अलग मार्का, जो बिहार और उत्तर प्रदेश से जो लोग गए हैं वहां महाजीर कहे जाते हैं, वो सेकेंड ग्रेड सिटीजन है, उनको पूर्ण नागरिकता भी वहां नहीं है। वो उनका नेता इंग्लैंड में बैठ करके महाजीर मूवमेंट चलाता है। आज पाकिस्तान धू धू करके जल रहा है, चिथड़ा चिथड़ा हो गया है। और इस देश के मुसलमान इस बात को समझते हैं कि लाख परेशानियां हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगी, लेकिन हम पाकिस्तान के मुसलमानों से लाख दर्जे बेहतर हालत में हैं। और लेकिन नसीहत क्या लेना है हिंदू मुसलमानों को? जस्टिस ईश्वरैया साहब ने कहा कि मुल्क मजहब की बुनियाद पर अगर मुल्क बनता है, थियोक्रेटिक स्टेट, चाहे मुसलमान के नाम पर बने, चाहे सिख के नाम पर बने, चाहे हिंदू के नाम पर बने, वो एक नहीं रहता है। और उस देश में गृह युद्ध की स्थिति होती है, जो पाकिस्तान में हो रहा है, हम देख रहे हैं। लालू जी जेल में बंद हैं और उनका एक ट्वीट पढ़ा हमने, ट्वीट पढ़ा, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं है, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कहो मैं अभी जिंदा। लालू यादव को तुम मारना चाहते हो? लालू यादव कहीं तेजस्वी जा के रूप में खड़ा हो जाएगा, कहीं मनोज झा के रूप में खड़ा हो जाएगा, कहीं रतन लाल के रूप में खड़ा हो जाएगा, कहीं अली अनवर के रूप में खड़ा हो जाएगा। वो विचार को तुम मार नहीं सकते हो।